सीएए पर हर दिन कोई ना कोई विशेषज्ञ बनकर जनता को ज्ञान बांटने लगता है। इस कानून के बारे में चाहे लेश मात्र भी ज्ञान ना हो, पर जिस उत्साह से वे अपने ज्ञान को बांटते हैं, उससे पता चलता है कि उनका मुख्य ध्येय केवल लाइमलाइट में आने के लिए ही विरोध करना है, चाहे उन्हें सीएए का सी भी ना पता हो। इसी कड़ी में हाल ही में जुड़े हैं रैपर डिलन नायर, जिन्हें लोग रफ्तार के नाम से ज्यादा जानते हैं। सीएए के विषय पर उन्होंने एक कॉन्सर्ट में बोला, शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, कल मेरा करियर चले ना चले मुझे कोई परवाह नहीं, इतना कमा लिया है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा। इस आदमी का नाम है अरशद, वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि कोई मुझे धक्का भी नहीं दे सकता। यदि कोई उसे देश छोड़ने के लिए कहता है तो मैं उसके लिए गोली खाने को तैयार हूं, और किसी में दम नहीं कि उसे बाहर निकाल सके। इसके आगे रफ्तार ने कहा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर मुसलमान, सब हमारे भाई हैं, मैं किसी को भी देश से निकलने नहीं दूंगा, इसके बाद मुझे परवाह नहीं कि मेरे करियर का क्या हो जाए। शो शुरू होने से पहले एक बात बिल्कुल सीरियसली क्लियर कर रहा हूँ, चाहे कल करियर चले चाहे ना चले कोई दिक्कत नहीं, इतना कमा लिया है कि एंड तक भूखा नहीं मरूंगा। इस इंसान का नाम है अरशद, ये मेरा ऐसा ख्याल रखता है कि कोई मेरे को धक्का भी नहीं मार सकता, अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा। चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, सब हमारे भाई हैं, किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद जो भी मेरे करियर का होता है ना, वो तुम खुद देख लेना, मेरे को कोई परवाह नहीं है। अब पहले तो रफ्तार पाजी तुसी ठंड रखो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून धार्मिक आधार पर प्रताड़ित मनुष्यों को भारत में नागरिकता देता है, किसी अन्य भारतीय की नागरिकता नहीं छीनता। इसलिए पहले तो फरहान अख्तर जैसे लोगों से चीट शीट लेना बंद करें और अपनी अकल भी लगाएं। यदि आपने थोड़ा कानून के बारे में पढ़ लिया होता या किसी वीडियो में सुन लिया होता तो आप इस तरह के लाइमलाइट के चक्कर में अपनी भद ना पिटवाते। इसके साथ जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया वो भी बेहद शर्मनाक था, जिससे यह तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि आप महिलाओं का सम्मान तो बिल्कुल नहीं करते। यदि आप वाकई में महिलाओं की इज्जत करते हैं जैसा आप अन्य वीडियो में बताते हैं, तो यहाँ गाली देकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं महोदय? रफ्तार की गालियों के कारण सोशल मीडिया पर उनकी बहुत निंदा हुई, जिसके लिए उनको बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सिनेमा या कला के क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने इस विषय पर अधकचरा ज्ञान बांटा हो। इससे पहले 19 दिसंबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में किए गए विरोध प्रदर्शनों में कई बॉलीवुड स्टार्स की पोल तब खुली जब उनसे पूछा गया कि वे सीएए का आखिर विरोध क्यों कर रहे, जहां फरहान अख्तर जैसे सितारों ने गोलमोल जवाब दिए और सरकार के आश्वासनों पर उल्टा रिपोर्टर को भला बुरा सुनाने लगे, तो जिम सार्फ जैसे हस्ती तो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के भांति एक रटी रटाई स्पीच देने लगे। शायद रफ्तार को सुशांत सिंह और नासिर आजमी जैसे लोगों से भी प्रेरणा मिली है, जो सीएए का विरोध कर अपने दोस्त अरशद को विक्टिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने करियर को दांव पर लगाने की बात कहकर वे खुद को भी विक्टिम के तौर पर प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुशांत सिंह सावधान इंडिया के होस्ट हुआ करते थे, जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था, परंतु सीएए के विरोध की आड़ में सुशांत ने यह दिखाने का प्रयास किया कि उन्हें सीएए के विरोध के कारण शो से निकाला गया है। इसी भांति जी मीडिया के कर्मचारी नासिर आजमी को भी जी मीडिया ने पहले ही निकाल दिया था, परंतु सीएए के विरोध की आड़ में उन्होंने भी विक्टिम कार्ड खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सही कहा है किसी व्यक्ति ने, एक सच्चा हिपोक्रेट वही है जो बेशर्मी से झूठ बोलता हो, और अपने अधकचरे ज्ञान के साथ रफ्तार भी इसी दिशा में जाते दिखाई दे रहे।